अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़क चिकन। ये आधा किलो ब्रेस्ट पीस है चिकन का, इनको मैंने क्यूब्स में काट दिया है, धो दिया है। इसमें एक टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे, एक टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मिक्स कर देंगे और रख देंगे इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके। हाफ कप तेल गरम हो गया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून राय, तीन सूखी लाल मिर्चियां, एक और डाल रही हूँ, थोड़े कड़ी पत्ते, फ्लेम को मीडियम करके फ्राई कर देंगे राय और जीरे को। चिकन को रखकर आधा घंटा हो चुका है, जीरा और राय भी फ्राई हो चुकी है। फ्लेम को लो करके चिकन ऐड कर देंगे इसमें। अब चिकन को कड़क होने तक फ्राई करते जाएंगे और लाल होने तक। जैसे ये लाल हो जाएगी समझ लो कड़क हो गई है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसको। फ्राई करते करते इसमें ऐड कर देंगे एक टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, मिक्स कर देंगे सब कुछ और मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर दिया है लाल होने तक। चार हरी मिर्चियाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, आधा कप हरा धनिया पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। फ्राई कर देंगे। पहले मैंने यही सेम डिश मटन में बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं चिकन में भी आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी मिर्ची फ्राई नहीं हो जाती। हम इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना इसमें लाल मिर्ची बाद में जब डालेंगे तो लगेगी नहीं। कड़ी पत्ता भी ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। फ्राई करते करते 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। फ्लेम को अभी मीडियम कर देंगे। एक मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर दिया है लाल मिर्ची पाउडर डालकर। अब गैस ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया है।
आधा नींबू मैं इस पर निचोड़ रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अब मिक्स कर देंगे नींबू निचोड़ कर। कड़क चिकन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना।